इनका गाड़ी मिली सब लोगों का आशीर्वाद हो भैया और का कहीं हम सब कुछ बन गए कम शब्दों में आपने इतना कह दिया जिसका कोई जवाब नहीं। हाँ वही भैया अब हमारे बेटवा को मिली है इनके अलावा सबों का आशीर्वाद मिले सबको गाड़ी मिले ना सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं वंदन करते हैं कि हम आज समय आपको मिल गया कि हमारी आज ओडी उठ गई है तो सारे सीनियरों को हमारा प्रणाम करते हैं हम शुरू से पूरी कहानी बताना पड़े बताएं हम जब हम दूसरे कंपनी में काम करते थे फिर बंद हो गई फिर दूसरे में काम करते थे हमारा 15-20 हजार रुपया महीना आता था लेकिन संतुष्ट नहीं रहे लेकिन सीनियर बने ऊपर बैठे रहे 15-20 हजार आता था लेकिन इच्छा नहीं होती थी। हाँ और पैसा हम रोके थे अपना अपना रिन्यूअल हमने खुद वसूल के रखे थे लेकिन जमा नहीं करना चाहते थे हम उसे संतुष्ट से नहीं थे तो भगवान थे तो मनाते थे भगवान अब कोई कंपनी मिल जाए कोई कंपनी मिल जाए भगवान ने फिर दो लड़कों को भेज दिया एक हमारा साथी था बुलाया हमको सैनी कहा सैनी आइए दो लड़के आए हैं और दूसरा प्लान बताना चाहते हैं हम अच्छा आज तो नहीं कल बुलाइए आज हम कहीं जा रहे हैं कल फिर उनको बुलाइए तो दो तीन दिन के बाद फिर तीन चार दिन के बाद फिर आए तो हम तो और वहां पर गए तो दो दो लड़के कौन से निकले संजय कुशवाहा जी अविनाश सर जी मिल गए इन्होंने हमको प्लान दिया सबको समझाया सब अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा हमको बहुत प्लान अच्छा लगा तुरंत उस कंपनी को भूल गए तीन रजिस्ट्रेशन तुरंत करवाए हमने तीन रजिस्ट्रेशन तुरंत अपना करवाए धीरे धीरे काम को शुरुआत हुआ फिर एक बार हम गाजीपुर मीटिंग गए थे वहां पर भीष्म चौहान जी आए थे तो वहां एक बार मीटिंग गए थे चार पांच लड़कों को लेकर गए फिर वहां हम देखभाल कर रहे हम लोगों की देखभाल कहां बैठाना उठाना खाना पीना खिलाए अब सर जी और सर जी मिलकर खाना पीना खिलाए हमको अब फिर हम ट्रेन फिर बैठा दिए फिर हम चले आए फिर काम करते गए तो हमारी दूसरा तीसरा रैंक होता तो कमाई क्या होती है हमारा बहुत रोक दिए वो लोग 15-20 हजार आता था बहुत रोक दिए अब दूसरा ब्रोंज सिल्वर हो जाते में क्या मिलता है फिर हमारी पत्नी कह रही अब छोड़ो सब काम अब जाओ तुम कानपुर इनके भाई कानपुर में रहते सब्जी लगाते कहा जाओ हमारे भाई के पास कर रहो भाई सब्जी लगाओ कि हम नहीं माने हमने नहीं माना हम कहा नहीं काम करें हमको इसके लिए पिस करना ही करना है तो धीरे धीरे करते गए अब पैसा तो कम पड़ता है पैसा नहीं मिलता तो हमारी पत्नी खुद मजदूरी जाती मजदूरी करके पैसा जो लाती थे हमको देती पेट्रोल जलाने के लिए कि हम अपने सीनियर से कभी नहीं कहे कि हमें आज पैसा नहीं है आज लोग कहते हैं अरे यार पैसा है 200 रुपया वहाँ फीस लगती है अरे हम नहीं जाएंगे लेकिन कभी छोटी सी मीटिंग बड़ी मीटिंग हो कभी मीटिंग हमने इनकार ही नहीं किया हमेशा मीटिंग देखी जहाँ बुलाए वहां जाते थे करते 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 गए
अब ढाई साल का समय बीत गया, ढाई साल तीन साल बीत गए, अब अचीवमेंट का समय आया, अचीवमेंट का समय आया। सब ये चार सफाई हमारा चल रहा था और डायमंड होने वाला था, तभी हमको ब्रेन हेमेज हो गया और पैरालिसिस हो गई। आज अप्रैल आपकी आएगा, तीन साल हो जाएगा, लेकिन हम पड़े रह गए। फिर तीन साल पड़े रह गए कि कहा हमको सबसे अच्छे हैं कि अविनाश सर जी हैं, संजय सर जी हैं, सबसे ज्यादा तो हमारे पूरा श्रेय जाता है अविनाश सर को और संजय सर को। और हर महीने वैसा बराबर वाउचर आता है, डायमंड हो गए, ब्लू डायमंड हो गए, ब्लू डायमंड हो गए। बताइए, हम घर में बैठे रहते थे, ब्लू डायमंड हमको ब्लू डायमंड बना दिया हमारा अविनाश सर जी। इसमें ढाई तीन लाख बराबर आते थे, बराबर पैसे कटौती नहीं होती थी, बराबर पैसे देते रहे। जहां 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 बुलाते थे मीटिंग वोटिंग, जहां बुलाते थे हम जाते थे। और आज ये समय आ गया कि अगर हम इसके लिए भी अगर ना करते होते तो आज तो हम जो खड़ा है ना, आज हम नहीं होते, आज हम नहीं होते। ये सब देन है, तो इसके लिए भी इसकी देन है। ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है, इसके लिए भी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हमारा जिंदगी नहीं, हमारे लड़कों की जिंदगी वही कट जाएगी। और अब क्या बताएं, अब तो गाड़ी लेके कैसा महसूस कर रहे हो? गाड़ी लेके बहुत हमको तो खुशी मिल रही है, गाड़ी लेकर बहुत खुशी मिल रही है। जो हमारे गांव में अभी तक सब कुछ देखते हैं, लेकिन हमसे गांव कितने दोस्त थे हमारे गांव में, बहुत दोस्त थे, आज कोई दोस्त हमारा नहीं है। गांव से कोई मतलब नहीं रखते, अपने काम से काम। गाड़ी जब खड़ी हो जाएगी ना